पान चालीसा प्रतिदिन सुबह के नहाने के बाद शाम को करते हैं, शीत की वजह से नहीं नहाते हैं तो क्या पाठ कर सकते हैं? देखिए, यदि शाम को आप नहा नहीं पा रहे हैं, सवेरे नहाया था फिर आप ऑफिस चले गए, काम से चले गए और शाम को पाठ करना है, तो कोई दोष नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखें कि जब आप पाठ करने बैठे, मान लीजिए आप बहुत ठंड है, नहीं स्नान कर पा रहे हैं, तो आवश्यक नहीं है, हाथ पैर धो लें, कुल्ला कर लें, आपने जो वस्त्र पहने हैं वो शुद्ध वस्त्र धारण कर लें, बाहर के ऑफिस के बाजार के जो कपड़े हैं उनको उतार दें और घर में पूजा के लिए अलग वस्त्र रखें। आप सब लोग भी ध्यान रखिए, घर के पूजा के वस्त्र अलग रखिए, बाहर से हम जो वस्त्र पहन के आते हैं उनको पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए आप बढ़िया धौत वस्त्र, आप देश में रहें, विदेश में रहें, कैसे भी रहें, लेकिन पूजा के लिए भारतीय वेशभूषा का प्रयोग करिए। कम से कम इतना नियम बनाइए कि जिस समय हम पूजा करें तो बढ़िया धोती पहने, कुर्ता पहने, और कुर्ता नहीं पहन पाए तो धोती पहन करके ऊपर से अंगवस्त्र लपेट करके फिर पूजा करें, कितना अच्छा लगेगा भगवान भी, क्योंकि देवम भूत्वा दुवम यजेत, देवताओं के स्वरूप में ही हम लोग वैसा ही स्वरूप धारण करके पूजा करें। कोई कहेगा महाराज जी धोती कुर्ते से क्या फायदा है, हम कपड़े से क्या लेना देना है, नए बच्चे हैं तर्क करते हैं। आप बतलाइए कि कांस्टेबल ड्रेस ना पहने हो तो वो हाथ देगा चौराहे पर, आप रोकेंगे उसको, कोई महत्व देगा? पुलिस वाला ड्रेस में ना हो तो कोई उस पर बहुत ध्यान नहीं देगा, लेकिन वो ड्रेस लगाए होगा तो लोगों को भाई लगेगा अरे भाई तो सरकारी अफसर है। तो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील साहब हो, चाहे पुलिस में कोई हो, तो जब वो अपना यूनिफॉर्म धारण करता है तभी तो वो लगता है कि हाँ ये है। तो हम भी जब हमारे भगवान की पूजा में जाएं तो वही यूनिफॉर्म धारण करें, बढ़िया धोती कुर्ता पहन के भगवान की पूजा करें। तो घर में पूजा के लिए शुद्ध वस्त्र धोती कुर्ता तैयार करके रखिए, उनको धोते रहिए समय समय पर, और वो पूजा के लिए ही रखिए, बस पूजा में उपयोग करिए, उसके बाद उनको उतार कर रख दीजिए, बाहर के वस्त्र अलग रखिए।